एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मड़वा की रस्म। और अभी मैं फिरोजाबाद में आई हूँ और ये जो शादी है ये मेरी भतीजी की शादी है और मैं आई हूँ बड़ी मम्मी के घर। वैसे तो हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन ये जो शादी है ये फिरोजाबाद से हो रही है क्योंकि बड़ी मम्मी जो मेरी हैं वो यहीं पर रहती हैं, तो शादी भी यहीं से हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी रस्में होती हैं ना जिनको हमें करना ही पड़ता है, जो हमारी तरफ से होता है। तो हमारे यहाँ वैसे तो मड़वा की रस्म में बहुत बड़े बड़े से बांस का मड़वा गाड़ा जाता है लेकिन यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, इसीलिए बहुत दिमाग से मड़वा का रस्म पूरा किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लड़की को बैठा के और यहाँ पे पूजा की जाती है और यहाँ पे पंडित जी पूजा करा रहे हैं और गाँव की घर की सारी औरतें इकट्ठा हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और सभी मेरे रिश्तेदार जो हैं वो भी हैं यहाँ पे। और पंडित जी यहाँ पे कुछ मंत्र जो है वो लड़की को पढ़ के बोल रहे हैं। हर जगह का अपना एक रीति रिवाज होता है, हर जगह की रस्में अलग अलग होती हैं, तो ठीक उसी तरह से मेरे यहाँ भी कुछ इस तरह से होता है। और जो होता है वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पंडित जी लड़की को मंत्र पढ़ के सुना रहे हैं और हाथों में अक्षत वगैरह रोली वगैरह जो है वो बार बार दे रहे हैं और मंत्र को पढ़ रहे हैं। और ये पूजा जब संपन्न होगी तब जाके मड़वा की रस्म होगी। ये मड़वा की रस्म में ही आता है कि पहले लड़की को बिठा के पूजा की जाती है और उसके बाद मड़वा गाड़ा जाता है। ये बाल्टी देख रहे हो, बाल्टी में जो मिट्टी है इसी में ये देखिए मड़वे की जो रस्म है वो की जा रही है। और ये बांस की छोटी छोटी टहनियाँ ली गई हैं। वैसे हमारे यहाँ बहुत समय में बांसों को मड़वा गाड़ा जाता है लेकिन यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इसीलिए छोटी छोटी टहनियाँ पूरी करी जा रही है। और ये रस्म हमारे घर के जितने भी बड़े लोग हैं यानी कि जितने भी जेंट्स लोग हैं वही करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो सारे लोगों ने हाथ लगाया हुआ है और उसके बाद ये मड़वा की रस्म पूरी होगी। अब एक एक जो ये आप टहनियाँ देख रहे हैं ना इनको लगाया जाएगा, 9 टहनियाँ होती हैं जिनको गाड़ा जाएगा और गाड़ के और उसके बाद एक मड़वा बनाया जाएगा। अभी आप लोग देखिएगा कितना सुंदर ये मड़वा तैयार होता है। हमारे बिहार में जब ये मड़वा लगाया जाता है ना तो बहुत बड़ा मड़वा होता है और वो ऐसा मड़वा बनाया जाता है जिसके नीचे बैठ के शादी होती है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाई और मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी। नहीं तो बहुत ही अच्छे से उसको सजाया जाता है, डेकोर किया जाता है और उसी के अंदर शादी होती है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि आजकल घरों में इतने बड़े आंगन नहीं होते हैं कि हम बांस के बड़े बड़े से मतलब कि वो लगा पाएँ। तो इसीलिए देखिए बाल्टी में ये रस्म करी जा रही है, बाल्टी में मिट्टी भर के और इस मड़वे को तैयार किया जा रहा है क्योंकि हम अपने रीति रिवाज को नहीं छोड़ सकते। हम किसी भी कोने में रहें किसी भी तरह से करें लेकिन अपनी रस्मों को नहीं भूलते हैं, उसका जुगाड़ हम लगा ही लेते हैं और उस रस्म को हम पूरा कर ही लेते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि किस तरह से इस रस्म को पूरा किया जा रहा है और सभी लोग मिल के अब इस मड़वे को बांधेंगे और बांध के ये मड़वा तैयार होगा। वैसे ये आपको टहनियाँ देख रहे हैं ना इन पर काफ़ी अच्छे से झालर वगैरह बांधी जाती थी, मैंने खुद देखा है, मेरी शादी में भी हुआ है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे मिस हो गई हम लोगों से क्योंकि हम लोग चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे ये चीज़ें। लेकिन कोई नहीं, रस्म तो पूरी हो रही है ना, दिल से रस्मों को निभाना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे यही चीज़ हो रही है। और इसके बाद लड़की का हल्दी वाला रस्म होता है, तो इसी तरह से हमारे यहाँ ये मड़वा की रस्म पूरी की जाती है लड़की को बैठा के। तो यहाँ पर अभी मड़वा की जो रस्म है वो ख़त्म हो गई है लेकिन मड़वा के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे घर की जो लेडीजें हैं ना वो जेंट्स लोगों को रंग और हल्दी लगाएंगी और ढेर सारा करेंगी मस्ती क्योंकि ये भी एक हमारे यहाँ की रस्म है, रंग खेलना, हल्दी लगाना। तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इस वीडियो को कर रही हूँ एंड। वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर और मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।